तो भोजपुरी में कहा जाए तो आजमगढ़ हो, यहाँ सुमित अजरा ब्लॉग में उनके सारे दर्शकन का स्वागत हो। यहाँ देखा पूरा मीठी बोली भोजपुरी और मोहब्बत का शहर आजमगढ़, स्वागत। अच्छा लग रहा है, जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत दिनों बाद आई हूँ, शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे मैं। ये है आजमगढ़, हमारा अपना शहर आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ तीन भाषाओं में लिखा हुआ, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ये तहजीब का शहर है, विचारों का शहर है आजमगढ़। आइए बिल्कुल, तुम्हारा क्या है ये? हमारा भी शहर। तो आजमगढ़ पहुंच गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण के घर पे और हम लोग वेट कर रहे हैं, हमें कोई रिसीव करने आया है। ये ऑटो देख के बचपन में ऐसे ही हम ऑटो में बैठ बैठ के मामा के घर जाते थे। बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं लक्ष्मण के घर पे। वी आर वेरी एक्साइटेड। कितने जमाने बाद हम इस गाड़ी में बैठे हैं। पहले यही मिलती भी थी गांव में, किसी के शादी ब्याह में जाना होता था तो यही मिलती थी। 2003 की गाड़ी है ये। आपका नाम क्या है? सूर्य नारायण यादव। सूर्य नारायण, ये आपके क्या लगते हैं लक्ष्मण जी? भैया हैं। अच्छा, हजरा को अपना बचपन याद आ रहा होगा। जरा इन गलियों में घूमी हो तुम? नहीं, यहाँ नहीं है मेरी गली। तो यहाँ पे स्टेशन है, हम लोग यहाँ पे आते थे जब दिल्ली और हमें जाना होता था। ये आजमगढ़ शहर शुरुआत है, स्टेशन से जब आएंगे तो इसको नरौली ऑटो स्टैंड कहा जाता है, टैक्सी स्टैंड कहा जाता है। और यहाँ से जो बाई तरफ है ये पूरा आजमगढ़ शहर है। अच्छा। हाँ, और इधर से हम लोग चल सकते हैं आजमगढ़ शहर को देखते हुए। आइए आपको अपना शहर घुमाते हैं। घुमाइए जी। सूर्या भाई हैं तो फिर क्या दिखते हैं? हाँ, हमारे साथ सूर्या भाई हैं इनके नेतृत्व में। और ये जो आजमगढ़ शहर है ये तमसा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मिटकी किस्से तो पूरे देश के बनने के हैं, तो इसके भी किस्से हैं कि ये सप्त ऋषि जो थे वो लोग इस नदी के किनारे तपस्या किए हुए थे, तमसा नदी। लेकिन इसका एक दूसरा देशज नाम टोंस नदी भी है। टोंस, हम लोग इसे टोंस नदी बोलते हैं। तो ये वो नदी है जो इस शहर को तीन ओर से ऐसे घेरे हुए। नहाया इस नदी में कभी? नहाया। मैं बचपन में खूब नहाया हूँ अपने गांव के पास, चलेंगे हम आपको वो दिखाएंगे। हमने बचपन में खूब इस नदी में नहाया। ये तमसा नदी आ गई है। ये तमसा नदी, टोंस तमसा। ये देखिए भाई साहब, तमसा और टोंस नदी। अच्छा, देखिए चलेंगे शाम में। गर्मी में अमूमन ये नदी बहुत छोटे रूप में रहती है, लेकिन बारिश में देखते भरी हुई है। अच्छा,
आजमगढ़ में आके मेरे को तो अच्छा लगता है, नई जगह है और मैं घूम रहा हूँ। पीछे ये चर्च दिखाई दे रही है, ये आजमगढ़ का है। चर्च बहुत सेकुलर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, चर्च मंदिर मस्जिद सारी कुछ चीजें आजमगढ़ में, वैसे कभी बड़े दंगे नहीं। तो अच्छा लग रहा है, और मेरा तो रिश्ता आजमगढ़ मऊ से कुछ खास भी है, बहुत खास रिश्ता है। मेरी ससुराल है ये। आजरा का पैतृक गांव यहीं है, यहीं की रहने वाली है ये, लेकिन इसकी परवरिश दिल्ली से पुरानी दिल्ली में हुई है। नहीं थोड़े बड़े तो हो ही और पूरे दिन में जैसे ही आए, 100 रुपए अगर दिन भर का खर्च है, 100 रुपए सुबह 1 घंटे में ही अगर उन्होंने कमा लिया तो फिर यहाँ से साइकिल लेके निकल जाते थे किसानों मजदूरों और तमाम लोग काम करने। ये वो पोस्ट है। ये जिले का मुख्यालय एक तरह से है, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस। इतना अजीब है ना कि हम किसी शहर के मुख्यालय को डीएम और एसपी के ऑफिस से समझते हैं, जबकि मेरा दिल पूछे तो मैं मुख्यालय वहाँ बोलूँगा जहाँ उस शहर का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैं उसे मुख्यालय बोलूँगा। लेकिन अमूमन इसे मुख्यालय बोला जाता है, डीएम एसपी ऑफिस है। ये सामने डीएम आवास है, यहाँ पर लोग, यहाँ आंदोलन का गढ़ है। लक्ष्मण जी जो हैं हमारे लिए इमरती लेने गए हुए हैं, अभी इमरती आने वाली है, हम लोग खाएंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोकल समोसा खाना है आपको। ये उस दिन भी आप लोग समोसा खाए दिल्ली में, आज फिर समोसा खा रहे हैं। और ये इमरती, ये वाली हरी मिर्च अदरक की चटनी है, और नीचे ये है घाटी आजमगढ़ से गाजीपुर या मऊ की तरफ जाने के लिए ये आखिरी शहर की बाजार है। लेकिन शहर अब अपना पांव पसार रहा है, बहुत तेजी से अपने परिधि पर फैल रहा है। तो मेरा गांव जो एकदम घोर देहात हुआ करता था, अब वो इस बाजार से मेरे गांव तक आप देखेंगे शहर फैल चुका है, और शहर की अच्छाइयाँ मेरे गांव शायद नहीं पहुँची हैं, और शहर की जो बुराइयाँ होती हैं मेरे गांव में फैल चुकी हैं। आइए देखते हैं। मेरा गांव मेरा देश, तो सामने उसका गांव था, इधर मेरा गांव है, ये मेरे गांव में आप चल रहे हैं। उसका गांव समझ रहे हैं आप लोग। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, वो बस पढ़ाई लिखाई थी और कुछ नहीं था। ये मेरा गाँव है, ये आ गया गाँव। इसी गांव की मिट्टी से लक्ष्मण यादव जैसे क्रांतिकारी महान राजनेता निकले हैं इन खेतों से। हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे, जब गर्मी में जब फसलें कटी रहती थी तो हम लोग इन खेतों में क्रिकेट खेलते थे, हमारी टीम हुआ करती थी। गांव के बच्चों इनको भी एहसास। अच्छा ये निकलवा रहा है, हमारे क्रिकेट का एक मैदान वहाँ हुआ करता, वही तमसा नदी है अजरा। नाम बताओ पूरा। मेरा नाम, अरे महीने भी आरुष यादव। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? LKG A में। हम लोग अभी जो हैं डॉक्टर लक्ष्मण के घर पे हैं, और सफ़र तो हो गया ट्रेन का, उसके बाद हमने शहर घूमा और हम लोग अभी घर में आ गए हैं। घर में आप देखेंगे परिवार के सदस्य हैं सब लोग। आरुष है ये घर का छोटा सदस्य,
घर का मालिक यही है, घर का मालिक यही है, है ना आरुष? मजा आ रहा है, चाचू ये सब, ये सब इंतजाम इसी ने किया ना? हो सकता है कल लेके चले, दिल्ली लेके चलेंगे, वही भेजेगा है। मजा नहीं आता तभी तो रोता हूँ, इसमें स्कूल में मजा आता है। इसमें दिल्ली पढ़ो, दिल्ली बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, तो वहाँ पे झंडा गाड़ दीजिए। झंडा गाड़ना है, चलेंगे पढ़ेंगे अब, तब ना झंडा गाड़ेंगे। तो पढ़ के क्या मैं रेगिस्तानी बन जाऊँ? नहीं, तुम पढ़ के जो है कुछ बड़ा बन जाओ, बड़ा बन के विराट कोहली बन जाऊँ। ये देखो अभी जो है ना, ये बछड़ा जो है इसका नाम आरुष है, है ना? ये देखिए अभी उठ जाएगा। मैं इसको उठाऊंगा तो उठाऊंगा तो उठाऊंगा। इसका क्या नाम है? आरुष। गैया के पास मत जाइएगा, मर गैया मारती है। ओ लात मार दी। अरे सिंह से मारती है। एक दिन होली में गया टीका लगाने, मारी तो खून बहने लगा। ये मैथिली है, मैथिली के बारे में कुछ बताओ। डॉक्टर लक्ष्मण। डॉक्टर लक्ष्मण कौन बोलता है? मेरा नाम, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण क्या होता है? लक्ष्मण क्या बोलते हैं? नहीं, कौन है, नाम बताओ, फिर से बताओ। लक्ष्मण। लक्ष्मण क्यों? डॉक्टर लक्ष्मण, दूसरा नाम सोनू। सोनू कहाँ बता रहे हो सबको? इसको नहीं बताना है, सोनू को। यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शादी शादी में आए हुए हम लोग। कैसा लग रहा है खाना? अरे खाना बहुत बढ़िया, एकदम बारात वाली है ना, एकदम बारात में। बस कोई चला नहीं रहा, पनी 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 ऐसे कर, वो कमी पूरी हो जाएगी। तो ब्याह का भी खाना, ब्याह भी करेंगे तो ऐसे ना सुन पी। भाई साहब का ब्याह करवा दो, हम ब्याह का भी खाना खा लें। अरे भैया तो ही करा देता यार, मजा आया। अरे इसमें बहुत तेल डाल, खराब की लौकी गाओ वीडियो पर नहीं, फिर आज के को ले जा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी, मम्मी आ गई का। ए मम्मी आ गई का, तुम मार खा गई का, बात मेरा सुनो, हमको प्यार हो गया, लड़की के चक्कर में मार हो गया, बारिश में गए हम मिलने, अगला दिन हमको बुखार हो गया, मेरी मेरी बुखार हो गया, दिखाऊंगा। फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बुखार हो गया, नहीं 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 नहीं। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बुखार हो गया ना, बुखार हो गया ना। बड़ा खुश हो तो बोले तू सिखा के।
मैंने मन खुद से सतर्क किया तीन चार खा के लिए तो एक तो दिखावा नहीं है मैं नहीं हूँ।